आज मैं मध्य प्रदेश के युवाओं के सामने अपना एक संकल्प और व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे बेटे बेटियों, रोजगार आज की एक बड़ी समस्या है। हमने फैसला किया है एक साल के अंदर 1,00,000 सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएगी ताकि हमारे बच्चों को शासकीय नौकरियों में रोजगार मिल सके। प्लेसमेंट के माध्यम से हम 1,00,000 बच्चों को रोजगार देंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन होगा, महीने में एक दिन रोजगार दिवस, और उसमें स्वरोजगार के कम से कम योजनाओं के अंतर्गत 2,00,000 बच्चों को हम ऋण देके उनके काम धंधे और रोजगार खड़े करवाएंगे। ये मध्य प्रदेश की सरकार का संकल्प है। स्टार्टअप के क्षेत्र में हमारे बच्चे बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, उसके लिए भी स्टार्टअप नीति मध्य प्रदेश सरकार की बन के तैयार है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ एक स्टार्टअप तो यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ गया है। रोजगार देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कृषि के विविधीकरण की एक नई योजना जिसमें किसान, प्राइवेट पार्टनर और सरकार मिलके गेहूं और चावल के अलावा दाल हो, ऑयल सीड तिलहन हो या औषधीय खेती हो, उसको करने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। और प्राकृतिक खेती हम करें, इसके लिए हम अभियान चलाने का काम करेंगे। माँ, बहन और बेटी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माँ की सुरक्षा, बेटी माँ और बेटी बहनों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। लाडली लक्ष्मी 2 योजना इसके लिए हम लेके आए हैं। उसके अतिरिक्त भी सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ के लिए जो आवश्यक कदम है वो हमने उठाने का फैसला किया है। मुझे बताती हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो पहले था 1,000 बेटों पे 912 बेटियां, अब बढ़ के हो गया है 1,000 बेटों पे 976 बेटियां। सेक्स रेशियो जब तक बराबर नहीं हो जाता, हम लगातार और भी कदम उठाते रहेंगे।